और उसके बाद हाँ वो पुलिस से भी मिले शायद वो कुछ। अच्छा मुझे ये था कि थोड़ी बहुत वो ना जब पुलिस से मिल रहे थे थोड़ी बहुत बात सुनाई देगी कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन, मैं हूँ ईशा और हम वीडियो देखने वाले हैं मोदी जी की। मोदी जी एक पार्क में गए हुए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। इसके बारे में वीडियो है। वीडियो देखने से पहले वीडियो का रियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वीडियो को लाइक करें, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विजिट काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ओके लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। उठाया आप देख सकते हैं, हाथी की सवारी की और जीप पे भी सवारी की। ये देखिए हाथी से किस तरह से दोस्ती के दृश्य आप देख सकते हैं। खुली जीप पे जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवारी का लुत्फ उठाया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये देखिए किस प्रकार वहाँ पर पशु पक्षियों को खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो हमारे सैन्यकर्मी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसका अपना एक वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान है इस उद्यान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हाथियों के साथ दोस्ती की। देखिए उस गन्ना खिलाते हुए हाथी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीप से भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ दूर का सफर तय किया। आपको बता दें कि असम का ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, गैंडों के सबसे बड़े निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। पक्षियों की 600 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पर मौजूद है। डॉल्फिन की बढ़ती हुई आबादी और बाघों की सबसे ज्यादा घनत्व वाले स्थानों में से ये स्थान एक है। काजीरंगा एक पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पर भी जाना जाता है और ये डेस्टिनेशन देश और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है अपनी ओर। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2200 से अधिक भारतीय यहाँ पर एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो काफी विशेष महत्व रखता है काजीरंगा उद्यान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इसके जो नेचर है, इसका जो खूबसूरती है, उसका आनंद उठाया। प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है, जो दोस्ती है, उसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस प्रकार प्रकृति प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अक्सर प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरों में प्रकृति से उनका जो प्रेम है वो उभर कर सामने आता है, दर्शकों के सामने आता है। और ये देखिए किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सवारी करते हुए निहारते हुए वहां पर जो मौजूद पशु पक्षी हैं किस प्रकार वो विचरण कर रहे हैं उन्हें देखते हुए वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। और ये लुत्फ ये कई मैसेजेस दे रहा है, कई मैसेजेस दे रहा है। प्रकृति प्रेम का एक संदेश यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है वो साफ नजर आ रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2 दिवसीय दौरा है। पूर्वोत्तर में जंगल सफारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश भी पहुंचेंगे। अरुणाचल में वो 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर यात्रा पर है और पूर्वोत्तर को कई सौगातें सौंपने वाले हैं, 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो परियोजनाएं हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसमें बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन की 3,992 करोड़ रुपए की परियोजना भी शामिल है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां पर उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। वहां वो उन्होंने कैमरे से कुछ तस्वीरें भी खींची, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से पशु पक्षी वहां पर विचरण कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। प्रकृति को निहारा, प्रकृति के साथ दोस्ती के दृश्य, ये अपने आप में
कई संदेश दे रहे हैं, लोगों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति का दोहा नहीं करना चाहिए, ये संदेश भी है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वैश्विक पटल पर अपनी विशेष पहचान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी जगह जाते हैं तो वहां के पर्यटन में और भी ज्यादा एक उछाल आता है और देखने को मिलेगा कि इसके बाद जिस तरह से पर्यटकों की बेसिकली ना कुछ शॉर्ट्स थे, मतलब कुछ शॉर्ट्स लिए हुए गए थे और उसी के पीछे वॉइस ओवर किया गया था, ज़्यादा वीडियो डिटेल्ड नहीं थी, ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं दिखाए गए थे। बाकी यार मतलब मुझे वीडियो देख के पता क्या लगता है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो ये सब नहीं भी करेंगे तो हाँ लोगों को लगेगा कि भाई ही इज़ अ बिजी मैन, वो कंट्री को संभालेगा या मतलब नेचर को जाके देखेगा, नेचर को इंजॉय करेगा, सफारी पार्क में घूमेगा? नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है ही इज़ द सिंबल ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। लाइक देखो वो इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के जा रहे हैं सफारी पार्क में, मतलब जानवरों को देखने, परिंदों को देखने। अच्छा वीडियो में उसने बताया कि यहाँ पर 600 से ज़्यादा टाइप्स हैं परिंदों की और डॉल्फिन्स की। तो यार मतलब एक जगह जाना स्पेशल टाइम निकालने एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि अभी हम देखते हैं कि मोदी जी कश्मीर में है, अभी यहाँ पे, अभी न्यू दिल्ली में है, और अभी अभी कहाँ चले गए हैं, सफारी पार्क चले गए हैं। तो मज़े की थी काजीरंगा सफारी पार्क, सॉरी, ओके। वीडियो मज़े की थी इस लिहाज से कि किस तरह से वो नेचर से प्यार करते हैं और किस तरह से उनका जानवरों से प्यार था। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन वो एक समुंदर दरिया के शायद अंदर गए थे पूजा के लिए। तो उस टाइम भी ये बात थी कि मेरे माइंड में कि यार देखो अगर वो नहीं भी जाएंगे तो कोई उनको नहीं कह सकता कि हाँ क्यों नहीं गए, लेकिन वो बाकी काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना मतलब जो उनको चीज़ें पसंद हैं, लाइक वो दरिया के अंदर वो पूजा करने गए थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी ना। लोगों ने कहा था कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी मतलब वो एजड हैं, ठीक है वो यंग नहीं है, लेकिन वो काम ऐसे करते हैं कि जैसे वो यंग हों, फुल यंग हों, ऐसे काम वो करते हैं। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वो बहुत लोगों ने देखी थी। उसके बाद ये उसके उससे मिलते जुलते मैं कह सकती हूँ कि ये वीडियो काजीरंगा वाली कि वो गए हैं खुद और जिस तरह, अच्छा ये छोड़ो जिस तरह अब होता है, भाई हम हो तो मैंने इसको हाथ नहीं लगाना, उसको हाथ नहीं लगाना, या किस तरह से वो खुद जाकर वो एलिफेंट्स को गन्ने खिला रहे थे और उनसे प्यार कर रहे थे और पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो और उसके बाद हाँ वो पुलिस से भी मिले, शायद वो कुछ, अच्छा मुझे ये था कि थोड़ी बहुत वो ना जब पुलिस से मिल रहे थे थोड़ी बहुत बात सुनाई देगी कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब उन्होंने उनसे क्या बात की वो हमें नहीं पता, हो सकता है सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ के बारे में बात की हो। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमें लाइक करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।